देश के बजट के बाद अपने घर और रसोई का बजट भी ठीक करने के लिए आइए शक्ति कैंटीन स्टोर यूनियन बैंक के सामने कुंड रोड बहरोड। हमारे यहाँ एक ही छत के नीचे मिलता है हर एक वो सामान जो है आपकी जरूरत का, और वो भी 50% की छूट तक। तो अब देर किस बात की, चले आइए शक्ति कैंटीन, आपको सिर्फ बचत ही नहीं महा बचत होगी। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना, शिक्षा स्वास्थ्य समाज सेवा स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं रात 24। बरडोद को नगर पालिका और महिला महाविद्यालय की बड़ी सौगात दिलाए जाने पर ग्राम पंचायत बरडोद के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर सरपंच पूजा निमोरिया के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विधायक बलजीत यादव को 151 किलो की फूल माला और 51 किलो का साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि अब कस्बे वासियों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पेयजल के लिए करीब 6.5 करोड़ रुपए स्वीकृत करा दिए गए हैं, साथ ही गंदे पानी की निकासी के लिए भी नाला निर्माण किया जाएगा। इस दौरान विधायक के साथ बहरोड उप प्रधान गजराज यादव, चेयरमैन सीताराम यादव, उपाध्यक्ष विक्रम सिंह यादव का भी सम्मान किया गया। इसके बाद बाबा भैरू सागर मंदिर पर आयोजित रागनी और भंडारा कार्यक्रम में मंदिर विकास समिति और पूर्व सरपंच सुनील भारद्वाज ने विधायक का चांदी का मुकुट और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। उधर विधानसभा क्षेत्र में अब भ्रष्टाचार पर रोकथाम भी लगेगी, इसके लिए विधायक बलजीत यादव ने एक नई व्यवस्था में जागरूकता अभियान शुरू करेंगे। सरकारी विभागों में रिश्वत लेने वाले व्यक्ति का वीडियो या ऑडियो सहित विभिन्न पुख्ता सबूत पेश करने पर 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। हम एक अभियान चालू करेंगे। सबसे पहला तो हमने जनता से ये कहा है कि बहरोड विधानसभा में कोई भी कर्मचारी, चाहे लाइनमैन हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, थानेदार हो, डिप्टी हो, एसडीएम हो, कोई भी हो, यहाँ पे अधिकारी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अगर आपसे रिश्वत लेता है तो आप उसका रिकॉर्ड करके ले आए, उसका सबूत ले आए, किसी का भी, चाहे आपसे 100 रुपए की मांगे, चाहे 1,00,000 रुपए की मांगे, जितनी भी मांगे उसका ले आए। आप किससे जो पैसे वो ले लेगा वो तो वापस दिलाएंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे, और आपको हमारी ओर से 51,000 रुपए का पुरस्कार दे करके भ्रष्टाचारी को पकड़ाने वाले व्यक्ति को हम पुरस्कृत करेंगे 51,000 रुपए देके। चाहे 100 रुपए की रिश्वत ही हो, उसको 51,000 रुपए से हम पुरस्कृत करेंगे देख करके, और उसके रिश्वत की राशि वो भी उसको वापस दिलाएंगे, और भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई कराएंगे, और उसका जो काम होगा उस काम को कराने की जिम्मेदारी बहरोड के विधायक बलजीत यादव की, हम उसका काम करवाएंगे। कोई भी जायज काम जो नहीं करा वो मैं कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी। सर क्या कुछ उद्देश्य इस अभियान को लेकर? मेरा ये उद्देश्य है कि व्यक्ति कोई 1,000 रुपए की रिश्वत देता है, गरीब आदमी छोटे छोटे काम पर रिश्वत ली जाती है, कहीं साइन कराना है, कहीं छोटा सा काम है, उसके लिए 1,000 रुपए, 500 रुपए ये ज्यादा ली जाती है, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए। वो ये समझता है कि यार ये 2,000-3,000 रुपए के चक्कर में मैं शिकायत करूंगा, पता नहीं मेरा काम होगा, कहीं काम रुक जाए, तो 3,000 रुपए की तो बात है, वो दे देता है, और फिर भ्रष्टाचारी की आदत खराब हो जाती है। चाहे वो 1,000 रुपए उसे माने, 1,000 रुपए ले रहा है एक से, लेकिन वो 1,000-1,000 रुपए के चक्कर में कितने ही लोगों का शोषण करता है, उनको परेशान करता है, जब तक पैसे नहीं दे वो उनको चक्कर पे चक्कर लगाता रहता है। हमने 51,000 की पुरस्कार राशि इसलिए रखी है कि वो 1,000 रुपए देने वाला ये रखे कि चलो मैं इसको अगर पकड़ाऊंगा तो मेरे 1,000 भी वापस मिलेंगे, मेरा काम भी विधायक कराएगा, और 51,000 रुपए की पुरस्कार राशि वो भी मुझे मिलेगी, तो उस इंटरेस्ट में जो गरीब आदमी है कि ऐसे नहीं मेरी सिर्फ जूती तुड़ाई होगी, मैं ये चाहता हूँ वो मेरे तक शिकायत करने आए, वो उच्च अधिकारियों तक शिकायत करने के लिए जाए, और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको भी ये लगे कि ऐसा नहीं है कि 1,000 रुपए की रिश्वत ले रहे हो तो ये आगे शिकायत करने नहीं जाएगा। आज के बुलेटिन में इतना ही, देखते रहें रात 24। नमस्कार।